नमस्कार दोस्तों मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल आज का ये सेशन रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आईसीआर सी इंट्रांस एग्जामिनेशन जो आपका आईसीआर पीजी आर जी का एग्जामिनेशन है उस एग्जाम के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं और जो मेजर सब्जेक्ट्स हमारे हैं एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर फिजिकल साइंस प्लांट साइंस जो इन सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में प्रेपरेशन तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपके पास क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए ताकि जो है आपका 400 प्लस का जो टारगेट है आपका बिल्कुल ब्रेक हो जाए और यहाँ पे मेन जो आपका सपना है आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का वो सपना आपका कैसे किस तरह से आपका साकार हो सकता है बिल्कुल प्लानिंग के साथ बताने वाला हूं बिल्कुल यहां पे जो है, आपकी जाए। किस पोर्शन से बताने वाला हूं तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा अगर दोस्तों आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि समय समय पर नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती जाए चलिए लेट्स आप देखिए अगर हम बात करते हैं आईसीआर पी जी जी आर एफ एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन देखो आप सभी के पास बहुत ही कम है आपका जो है सेकंड वीक ऑफ मई के बाद आपका एग्जामिनेशन कभी भी होने के चांसेस हैं तो आपके पास जनवरी अभी स्टार्ट है तो चार महीने का आपके पास समय बचता है फोर मंथ का टाइम ड्यूरेशन आपके पास बचता है हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो मार्च महीने में आपके एप्लीकेशन फॉर्म दो हजार चौबीस में इसके रिलीज हो जाएंगे और जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर फिजिकल साइंस प्लांट साइंस से पे एग्जाम दे रहे हैं आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा उसको लेके मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया आप उस वीडियो को देख सकते हैं फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपका सपना आई ए आर आई का है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि टॉप अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फोर हंड्रेड प्लस का टारगेट ले जाके रखिएगा क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका आईसीआर पीसी जैर का जो एग्जामिनेशन है आपका फोर एटी मार्क्स का होता है चार सौ अस्सी नंबर का होता है अगर आप फोर हंड्रेड प्लस टारगेट आप यहां पे रखोगे तो आप, course, आपको आई आर आई में हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली आपको सीट जो है मिल जाएगी और किस तरह से आप इस टारगेट को ब्रेक कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं देखो सिलेबस की अगर बात करें तो जो स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकल साइंस से जो आपका एग्जामिनेशन देने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जो फिजिकल एग्जाम इससे देने वाले हैं फिजिकल साइंस से देखिए अगर आप फिजिकल साइंस से पेपर देने वाले हैं आईसीआर पीजी जी का ठीक है तो आप सभी को ध्यान यहाँ पे देना है कि आपको कौन कौन से कोर्स में एमएससी में एडमिशन मिलेगा सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल अग्र, मेटरोलॉजी हो गया और सॉयल साइंस हो गया या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या फिर सॉयल कंजर्वेशन एंड वॉटर मैनेजमेंट हो गया ठीक है या फिर एग्रीकल्चरल फिजिक्स एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल साइंस यानी कि टोटल अगर बात करते हैं पांच कोर्सेज आपके पास है इन पांच कोर्सेज में आप जो है बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो ठीक है तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं देखो जो आपकी यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो आपकी जो आपका फिजिकल साइंस का है टोटल यूनिट की बात करें तो टोटल आपकी जो फोर यूनिट्स में आपका डिवाइडेड है सिलेबस देखो काफी कम है आपका फिजिकल साइंस अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सिलेबस कम है लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी भी आती है फिजिकल साइंस में तो वो भी हम बात करेंगे

हंड्रेड तक यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ फोर एटी चार सौ अस्सी में से ये यूनिट आपकी सौ से एक सौ बीस की बेटेज आपकी देती है यानी कि 100 से मार्क्स आपके यहाँ पे अगर आपकी अच्छी पकड़ होगी हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली आप हंड्रेड टू मतलब हंड्रेड प्लस स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हो और अगर हम बात करते हैं ये हंड्रेड प्लस जो स्कोर आपका है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर आप जो है यहाँ पे जो ये सिलेबस है इस सिलेबस को अगर आप डेली बेसिस पे यहाँ पे टू हावर देते हो दो घंटे अगर आप यहां पे देते हो ठीक है और ये सिलेबस आप दिन मतलब दिन में अगर आप दो घंटे देते हो तो आप जो है बिल्कुल इस सिलेबस को ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं मैं दो घंटे की बात किसकी कर रहा हूं दो घंटे की बात कर रहा हूं आप जो है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे आप रिवीजन भी करोगे यानी कि आप यहां पे अगर दिन के दो घंटे देते हो आपका जो है पच्चीस से तीस दिन में आपका यूनिट फर्स्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी और ये मैं बता रहा हूँ सेम एज इट इज आपका जो स्टूडेंट एग्रोनोमी से भी दे रहा है और हॉर्टिकल्चर से भी दे रहा है उनके लिए बता रहा हूँ और वेटेज मैंने आप सभी को बता दी देखो वेटेज की बात करें तो ट्वेंटी और ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपके यहां से आने की संभावना है ठीक है मिनिमम बीस क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट आएंगे आएंगे और क्वेश्चन कई बार यहाँ पे थर्टी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं और स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हमने पेपर तो फिजिकल साइंस से दिया लेकिन हमें क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आगे। भाई देखिए अगर हम बात करें आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन तो रहेगा रहेगा जनरल एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि वहां पे क्वेश्चन आपसे जो है पूरे एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन सोयल साइंस से, से पूछे जाएंगे आपसे एग्रोनॉमी से, से पूछे जाएंगे ठीक है आपके प्लांट पैथोलॉजी से होंगे आपके एंटोमोलॉजी से होंगे आपके इकोनॉमी

अगर आप ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो वहां पे आप एनालाइज अगर आप करोगे तो आपको वहां पे पूरा पता लग जाएगा कि हमने किस तरह से अपनी प्रेपरेशन करनी है हमने कितना डेप्थ पे जाना है कितना हमने पढ़ना कितना हमने छोड़ना है ठीक है क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो मैटर ये करता है आप जो पढ़ रहे हो वो आप कैसा पढ़ रहे हो वो कंटेंट आप एग्जैक्ट जो आपका टारगेट करने वाला है वो पढ़ रहे हो या फिर आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपका बिल्कुल भी एग्जाम एग्जाम पे, पे वहां से क्वेश्चन ही नहीं, नहीं आने वाला है आप उसको पढ़ रहे हो ठीक है ये आपका मैटर करता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलतियां क्या कर देते हैं कि वो जो कंटेंट पढ़ते हैं या फिर बुक से फॉलो करते हैं तो वहां डिटेल में जो है पढ़ना पढ़ते हैं और उसमें बहुत ज्यादा टाइम उनका लग जाता है तो आपको ऐसा डिटेल भी नहीं पढ़ना है आपको नीड देखने की एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा उस तरीके से आपको बिल्कुल जो है अपनी प्रेपरेशन करनी है ठीक है तो यहां पे देखिए ये मैंने आपको बता रहा फर्स्ट यूनिट का बता रहा है कितनी वेटेज आपकी यहाँ पे रहने वाली है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं देखो अगर हम आईसीआर पीजी का एग्जाम की बात करें इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती एग्जामिनेशन को आप सभी को पता है कि जब से एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है तब से क्या है कि जो सीबीटी का एग्जाम है आपका आईसीआर पीजी जेआरएफ का एग्जाम हो तो वहां पे क्वेश्चन क्वेश्चन आपके आ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते आपसे और रीजन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपका वहां पे बिल्कुल आपके कंसेप्ट पकड़ होनी चाहिए आपका कंसेप्चुअल जो पोर्शन आपका अच्छे से आपका अवरप होना चाहिए जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो ये सीधी सी बात है और स्कोर अच्छा खासा नहीं कर सकते हो ठीक है तो आपको कंसेप्ट की तरफ थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा उसके बाद की सिलेबस की बात करते हैं सेकेंड यूनिट की बात करें देखो यहाँ पे मुझे जो लगता है

ये क्या होता है कि आपने नहीं पढ़े होते हैं अपनी डिग्री में ठीक है एलिमेंट्री यानी कि आपकी इलेवंथ के क्वेश्चंस आए होते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो ठीक है जिसमें आपको मेन मेन आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आपके बायोपेस्टिसाइड है ये पढ़ लिया और पेस्टिसाइड पढ़ लिया यहां से वेटेज आपकी अगर बात करें तो यहाँ पे इस टॉपिक को सेकेंड यूनिट को मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे लास्ट में इसको पढ़े क्योंकि

आप थर्ड यूनिट को बिल्कुल इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी जो फोर्थ यूनिट है ठीक है अगर थर्ड और फोर्थ यूनिट की बात करूं तो यहां से आपकी मैक्सिमम आपकी रहने वाली है आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट की ठीक है आपको फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपके वन फिफ्टी के आसपास आप यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकते हो फोर्थ यूनिट हो गया आपका और वहीं हम बात करते हैं आपकी थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो यहां पे भी आप जो है बिल्कुल स्कोर कर सकते हो 150 के आसपास में ठीक है

ठीक है तीनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्या क्या उसमें कहा गया है फंक्शन क्या है आपके न्यूट्रिय मतलब जो आपके मैक्रो माइक्रो क्या ऑफ फॉर मूवमेंट एंड अपटेक ऑफ इन एंड प्लांट्स फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिय सिम्टम्स आपको बताने हैं ठीक है ये सारी चीज सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है सॉइल की क्लासिफिकेशन आपके यहाँ पे है ठीक है तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल रिमोट सेंसिंग के टॉपिक्स आपके हैं ये सारे कुछ आप यहाँ पे इनको कंप्लीट करके आप जो है आराम से अपना स्कोर यहाँ पे कर सकते हो जैसे आप सेकंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपका सेकंड यूनिट में आपकी जो फंडामेंटली है, है यानी कि जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है ठीक है वही आपके यहाँ पे क्या है कि आपका जो थर्ड यूनिट है ठीक है इसमें आपके देख रखी है तो आप इसको अच्छे से कवर अप करके तैयार करके आप जो है बिल्कुल प्रेपरेशन कर सकते हो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट है इसमें टाइम कितना लगेगा आपका देखिए अगर हम बात करें अगर आप दिन का यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पे, अगर बात करें दिन लेके ले तो आप आराम से जो है इसको कर लोगे। 70 70 हमने इसके लिए दिए और थर्टी डेज हमने फर्स्ट यूनिट के लिए दिए तो आपके हंड्रेड डेज आपके कंप्लीट हो गए ठीक है उसके बाद में अगर आपके पास समय बचता है तो आप जो है बिल्कुल क्या कर सकते हैं जो आपकी सेकेंड यूनिट है इसको भी आप समय दे सकते हैं मतलब ओवरऑल बात करें 120 130 दिन अगर आप 120 130 दिन क्योंकि इतना ही समय आपके पास बचा है अगर आप दिन के दो दो घंटे देते हो आपका आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है लेकिन जो स्टूडेंट लेट जागने वाले हैं जैसे कि कई स्टूडेंट क्या, क्या होते हैं मार्च में अप्रैल में जागते हैं जब एग्जाम नजदीक एक महीना आता है तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है उनको यही नहीं पता होगा कि पढ़ना कहाँ से फिर ठीक है फिर बाद में क्या होता है कि इसको बोलते हैं अंधेरे में तीर मारना आपको अंधेरे में तीर नहीं मारने आपको आराम से अभी से एनालाइज करना है सिलेबस क्या है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है पिछले पांच साल के आपको एन के पेपर देखने किस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं ठीक है वो सारी चीज आपको देखनी है और बाकी अगर आप फिजिकल साइंस देखो दे रहे हो पेपर दे रहे हो तो आपको कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा आपको इंस्पायरिंग कौन आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है वहां पे कंप्लीट बैच आपको मिलेगा और साथ ही साथ में इसके साथ में अगर आप एग्रोनॉमी से दे रहे हो आप हॉर्टिकल्चर से दे रहे हो आप फिजिकल साइंस से दे रहे हो ठीक है ये भी आपको बैचेस मिल जाएंगे पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा सिलेबस कवरअप किया जा रहा है जहां पे आपका 400 प्लस की मैं पूरी गारंटी देता हूं कि वहां से क्वेश्चंस आपके आने हैं तो आने है, डेफिनेटली आने तो आप उस बैच को जो है बिल्कुल ले सकते हो जहां पे आपको फिर बुक्स लेने का कोई झंझट नहीं होगा ठीक है आपको बिल्कुल स्टडी मोटे कोई झंझट नहीं होगा ठीक है आपकी पूरी इफेक्टिव तरीके से जो है तैयारी हो जाएगी वही हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी का सिलेबस बहुत ही है है भाई भाई जो स्टूडेंट से पेपर दे रहा है, भाई पहले समझ लो कि आपको बिल्कुल भी समय को बेस्ट नहीं करना है आपको टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि एग्रोनॉमी का सिलेबस सबसे ज्यादा सिलेबस एग्रोनॉमी का ही आपका पीजी में देखिए अगर बात करें आपकी आठ नौ यूनिट्स आपकी टोटल है एग्रोनॉमी में फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं देखो फर्स्ट यूनिट आपकी Uh, यहाँ पे वेटेज आपकी यहाँ से मैक्सिमम रहती है फर्स्ट यूनिट से ठीक है वही सेम सिलेबस से है जो मैंने पहले बताया ठीक है तो वही सेम सिलेबस से जो हमारा फिजिकल साइंस में था वही आपका एग्रोनॉमी के अंदर में भी है ठीक है तो यहाँ भी आपकी वेटेज है आपकी सौ कर नंबर आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी फर्स्ट यूनिट से और उसके बाद में आपकी अगर बात करें सेकेंड यूनिट की बात करें तो आपका जो थर्ड सेकेंड यूनिट है थर्ड आपकी क्रॉप फील्ड क्रॉप्स है देखो हमेशा ध्यान देना भाई अगर हम फील्ड क्रॉप्स की बात करते हैं अब क्या कि मतलब धीरे धीरे जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो वह चेंज हो रहा है ठीक है मतलब पैटर्न थोड़ी मतलब थोड़ा क्वेश्चन uh, का लेवल अगर हम फील्ड क्रॉप की बात करते हैं स्टूडेंट का करते हैं कि आ, पेपर में जाते हैं तो हमने फील्ड क्रॉप ही पढ़नी है राइस पढ़ ली भीट पढ़ ली मेज सोरगम पर्ल मिनट माइनर मिनट बारले जो भी पल्सिस क्रॉप यहाँ पे देख रखी है चिकपी हो गया लेंटिल हो गया पीज मुगबीन उड़दबीन पी हो गया ऑयल सीड में ग्राउंड नट सीसम सोयाबीन रेप सीड हो गया मस्टर्ड सनफ्लावर सैफ्लावर लिंसिड हो गया फाइबर में कॉटन जूट सन हम ठीक है शुगर क्रॉप में शुगर केन हो गया में है, 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 है मेडिसिनल लेमन, लेमन ग्रास है पोटैटो टोमेटो है क्या करते हैं कि स्टूडेंट इन्हीं क्रॉप को जो है पढ़ते हैं ठीक है थेके? और सोचते हैं कि यहाँ से हमारा पेपर हो जाएगा हर हारी तैयारी यहाँ से हो जाएगी मैं आपको बता दूं इसकी अगर बेटे की बात करना फील्ड क्रॉप की इसकी बेटे ना के बराबर है पेपर में ठीक है अगर इसकी बेटी की बात करें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपके जो है सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स की आपके यहाँ पे आने वाले इन क्रॉप से साठ से सत्तर नंबर मेजर पोर्शन आपका जो ऊपर नीचे वाला पोर्शन है आपका मेजर पोर्शन है ठीक है जो कि क्रॉप को छोड़ के है तो क्रॉप्स पे तो फोकस करना ही करना है लेकिन इसके साथ में आपको जो है जो आपका मेजर पोर्शन है उसमें भी आपको करना है ठीक है ऐसा न करे क्रॉप्स के हम क्रॉप्स रटके जाएंगे उसका सीड रेट रट के जाएंगे अब देखो सीड रेट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंटिफिक नेम रटके जाएंगे साइंटिफिक नेम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनर नहीं पूछता आपसे ठीक है तो आपको इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है आपको मेनली यहाँ पे फोकस करना है और अगर क्रॉप्स में हो सके क्रॉप्स के जो भी आप पढ़ रहे हो क्रॉप्स पढ़ रहे हो उसको मतलब इस तरह से पढ़ो कि जहां से क्वेश्चन हैं उन चीजों की तरफ फोकस करो आपको फालतू तो का ज्ञान नहीं पढ़ना है ठीक है आपके जितनी भी क्रॉप्स हैं मैं इतना कहना चाहूंगा अगर आपकी टोटल थर्टी क्रॉप्स है अगर आप दिन की एक क्रॉप पढ़ते हो तो आपके कम से कम क्रॉप पढ़ने में कितनी क्रॉप है आपकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन

देखो आ, को राइस है यहाँ पे वीट चिकपी पिजनपी शुगर केन ग्राउंड मस्टर्ड पोटैटो यहाँ पे है ये क्रॉप यहाँ पे भी नीचे भी है मतलब थर्टी फाइव प्लस क्रॉप्स है अगर आप दिन की एक क्रॉप पढ़ोगे कर दिन की एक क्रॉप पढ़ते हैं राइस पड़ता है कल वीट पढ़ते हैं कम से कम आपका जो है पैंतीस तीन में चले जाएंगे आपके उसके बाद भी हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे ठीक है ये सोचने वाली बात है आपको क्रॉप के नोट्स ऐसे बनाने हैं मेजर क्रॉप्स आपको अच्छे से पढ़नी है जो माइनर क्रॉप्स है एक पेज में नोट्स बनाओ और एक पेज में खत्म कर लो वो भी प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि में कहां से क्वेश्चन आए क्रॉप्स के ऊपर वही पढ़ो ठीक है क्योंकि इसमें टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप सभी को पता है कि वेटेज ज्यादा नहीं है वेटेज कम है यहाँ से ठीक है उसके बाद में आपका जो है बीड बीड साइंस आपका हो गया बीड साइंस में इंपॉर्टेंट है बीड साइंस में क्वेश्चन क्या आएगा आपसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है

इरिगेशन uh, प्रिंसिपल क्या इरिगेशन के वाटर के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उसके बाद में आपका जो है uh, मतलब शेड्यूलिंग uh, आपकी इरिगेशन शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आता आता ही है 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 आप, आप सभी को पता ठीक मेथड ऑफ इरिगेशन से भी आपको सिंपल नहीं आएगा मेथड से से पे क्वेश्चन आपका कैसे आता है कि कौन सी ऐसी इरिगेशन है जहां से आपका पानी ज्यादा सेव होगा और कितना परसेंट आपका ड्रिप इरिगेशन से सेव हो सकता है कितना आपका स्प्रिंकलर से सेव हो सकता है ठीक है ऐसे क्वेश्चन आपके थोड़े टेक्निकल आते हैं तो इस पे आपको ध्यान देना है ठीक है उसके बाद अगर बात करते हैं

तो आप कौन सी स्टेज पे जो है पानी दोगे क्रॉप पे तो वो आपकी सीआरआई है जो है root initiation stage, जो है 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 क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज आपकी डेज बाद बाद शोइंग के आती ठीक उसमें हमें पानी देना ही पड़ेगा अगर आपके पास दो सिंचाइया हो तो आपको कौन कौन सी स्टेज में देना है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको हर एक तरह से कंसेप्चुअल तरीके से आपको जो है अपना सिलेबस तैयार करना है फिर उसके बाद आपका फर्टिलिटी सॉयल फर्टिलिटी से है और फर्टिलाइजर यूज से है आपका ठीक है यहां से भी आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं अगर यहां से नोमेकल पोर्सन आपको यहां से न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा आपको और न्यूमेरिकल देखो कहां कहां से देखने को मिलेगा है। ठीक है सात आठ सौ ही आपके रहेंगे इससे ठीक है और आपको न्यूमेरिकल जो सेकंड यूनिट से सॉरी से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ठीक है न्यूमेरिकल कौन कौन से है? हम अलग से उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे कि कहां कहां से आपके न्यूमेरिकल जो हंड्रेड परसेंट आते ही आते हैं मुफ्त के नंबर आपके हैं ठीक है न्यूमेरिकल से आप कम से कम तीस से चालीस नंबर आप उसी से ले सकते हो आराम से

या फिर आपका उसके बाद अगर बात करें जो आपके फर्टिलाइजर की बात करें उसकी जो आपकी क्लासिफिकेशन है फर्टिलाइजर की वहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है ठीक है आपकी अगर बात करते हैं यूरिया की कितने यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है ठीक है dressed, आपके स्टेट फर्टिलाइजर आपके मिक्स फर्टिलाइजर आपके कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसकी जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें अगर हम बात करते हैं कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ठीक है और उसमें आपको जब फर्टिलाइजर डोज आपको उसका नमेरिकल आपको आ सकता है क्लियर है जा ड्राइलैंड की बात करते हैं ड्राई लैंड से यहाँ पे बेटे आपकी ड्राईलैंड का मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा कि आपके ड्राईलैंड से तीन चार क्वेश्चन आपके आने की संभावना होती है ठीक है तीन चार बट पढ़ना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लेकिन ज्यादा बेटेज नहीं है तीन से चार क्वेश्चन की बेटेज यहाँ से रहती है आपकी ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें नाइन्थ यूनिट जो आपकी है सस्टेनेबल लैंड से है यहाँ से भी आपके तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब जो आपकी ये लास्ट की तीन यूनिट्स है यहाँ से लास्ट की तीन यूनिट आपके कम से कम पंद्रह से बीस क्वेश्चन आएंगे ठीक है पंद्रह क्वेश्चन से मिनिमम आपके रहेंगे रहेंगे तब की, की तीन यूनिट है ठीक है, है और मेजर आपकी फर्स्ट यूनिट है आपने, first, आपने, पढ़ ली, तो समझ लो आपने 200 नंबर की तैयारी आपकी ज्यादा नहीं लगेंगे इसके लिए ये आपकी अप्रोक्सिमेटली 60 डेज दो मंथ में आपकी आराम से हो जाएगी फिर आपको ओनली दो सौ नंबर की तैयारी करनी है अगले कितने दिन में ठीक है आप अगले साठ दिन में वन डेज आप अप्रोक्सीमेटली आपके पास बचे हुए तो मतलब तो आप, आप, आप बाकी का पोर्शन भी पढ़ते क्रॉप्स को डेली पढ़ते जाओ क्योंकि क्रॉप्स के लिए क्या होता है क्रॉप्स में डाटा बहुत ज्यादा है आपको पता है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा क्रॉप्स है नॉर्मल बात नहीं है थर्टी फाइव क्रॉप्स के चार्ट बनाओ ठीक है चार्ट फॉर्म पे लिखो सभी क्रॉप को लिखो फिर उसके बाद जो चार्ट फॉर्म पे उनका सीड रेट लिखो उनकी रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर की लिखो ठीक है और ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी रिकमेंडेड डोज में क्यों बता रहा हूँ फर्टिलाइजर की क्योंकि आपका न्यूमेरिकल आता है जब तक तो आपको रिकमेंडेड डोज नहीं पता होगा आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे वहां पे आपका एक न्यूमेरिकल का आपका क्या होगा चार नंबर वहां पे चले जाएंगे और चार नंबर आपके अगर आपके आपसे रिकमेंडेड डोज कहीं किसी भी क्रॉप की पूछ ले तो चार नंबर वो चलेगे मतलब आठ नंबर का नुकसान आपका वहीं पे ही है और आपका एक नंबर आपका बेनिफिशियल है अगर आपका एक नंबर का नुकसान है समझ लाओ आपका एक नंबर से आपका कोर्स मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ठीक है ये आपको खुद देखना पड़ेगा आपको अगर तैयारी करनी है तो मतलब अगर सोचा है कि हमने भाई आईसीआर पीजी एग्जाम की तैयारी करनी है हमने एमएससी में एडमिशन लेना है और आईसीआर टॉप कॉलेज में लेना है और हमें स्कॉलरशिप भी लेनी है एनटीएस की ठीक है तो आप सभी को देखो अगर आपने सोच लिया तो हंड्रेड परसेंट तैयारी करो पचास परसेंट चालीस परसेंट तैयारी कॉलेज में जाओ आपके लिए एडमिशन मिल जाएंगे ठीक है जिसने सोचा है कि हमने गवर्नमेंट में तैयारी करनी है तो उसको बिल्कुल पहले सोचना पड़ेगा ठानना पड़ेगा कि मुझे जो है इन चीजों से लड़ना पड़ेगा मुझे पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है उसके लिए चार्ट बनाओ दीवारों में चिपकाओ जैसी मर्जी करो पर आपको करना पड़ेगा अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है तुक्के ऊपर सोचते हो तो के ऊपर सौ नंबर भी नहीं आने वाले आपके ठीक है करनी पड़ेगी मेहनत ही आपको और इसका भी टाइम सही टाइम अभी बताऊ में अभी ये वीडियो में इसलिए लेके आया आपका अभी बहुत ही सही टाइम है इस टाइम को यूटिलाइज आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास चार महीने बच्चे हैं अगर आप दिन के भी अभी दो कर घंटे हो, क्या होता है कि अगर आप सोचते हो कि मैंने लास्ट में करना है लास्ट में क्या होता है कि अगर आप वही चीज होती है आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे जो पढ़ोगे आप भूल जाओगे ठीक है अभी आपके पास आराम से पढ़ भी सकते हो आप साथ में रिवाइज भी कर सकते हो ठीक है आप रिवाइज रिविजन आप साथ में कर सकते हो और उसके बाद में देखो ये तो एग्रोनॉमी की बात होगी एग्रोनॉमी में सिलेबस बहुत ज्यादा है बट आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, है? कर है इंपॉर्टेंट है बाकी एग्रोनॉमी के लिए अवेलेबल है, है जिसमें अभी अप्रोक्सीमेटली जनरल नौ दस क्लासेज हो चुकी है अवेलेबल है बाकी अभी कंटिन्यू बेसिस पे हो रही है क्लासेज ठीक है चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल साइंस का यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं और बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं देखो हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपको ध्यान देना यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में क्या है कि यहाँ पे सिलेबस में दो ही यूनिट्स मिलेंगे आपको बहुत ही मजेदार बात है ये मजे की बात है लेकिन अगर आप हॉर्टिकल्चर में देखोगे ना स्कोर करना जितना कम सिलेबस है तो उतना स्कोर करना डिफिकल्ट है ठीक है हॉर्टिकल्चर में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ मैंने पेपर ये देखा है

हंड्रेड टू वन ट्वेंटी और तीस दिन में आप ये तैयारी कर सकते हो सौ एक सौ बीस आराम से ले सकते हो बाकी मेजर आपका है, अब पे भी यहाँ पे आप गलतियां बहुत कर बैठते हैं ठीक है यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे जो आउट की, की बात करें ठीक है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ गया प्रोनिंग एंड ट्रेनिंग हो गया आपका प्रोपेगेशन हो गया क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट आपकी होगी ठीक है फ्रूट्स मैंगो uh, हो गया बनाना हो गया क्रॉप्स देख लो यहाँ पे मैंगो बनाना है सिट्रस है तीसरी

मैं हाँ पे लिखी नहीं है स्पेसिफिक लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ट्रॉपिकल की सब ट्रॉपिकल टेम्परेट मतलब समय जहां आपको टोटली क्रॉप पढ़नी पड़ेगी हॉर्टिकल्चर की मैक्सिमम पढ़नी पड़ेगी पे और यहाँ पे कोल में कॉलीफ्लावर आपकी कैबेज दूसरी है तीसरी आपका आ, नोल खोल है आपकी ठीक है आपकी तीन ये होगी और कुकर मिट्स में आपकी पंपकिन हो गया एक गार्ड गार्ड दो गार तीन लूफा चार मस्क मिलन पांच बटर मिलन छबर सात सात आपकी ये होगी ठीक है रूट की बात करते हैं रेडिश हो गया टेपियो का हो गया दो स्वीट पोटेटो तीन हो गया पोटेटो हो गया चार चार आपकी ये चार क्रॉप ये होगी आपकी ठीक है और लीफी वेजिटेबल आपकी आपकी फेन्यूग्रीच है आपकी मतलब दो ये होगी आपकी प्लस करते जाओ कितनी क्रॉप है आपकी सोलिसी क्रॉप्स की बात करते हैं टोमेटो चिल्लीज हो गया ब्रिंजल हो गया तीन आपकी ये होगी ठीक है और उसके बाद में जो है हाँ तीन क्रॉप्स आपकी ये है ठीक है फ्लावर में देख लो फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में आपकी रोज एक है कार्नेशन दो है आपकी क्रेसेंथम तीन है मेरी चार है ट्यूब ट्यूब पांच है ठीक है ग्लेडियोस छ है और चीड, छे, छे आपकी है ठीक है उसके बाद में आपकी अगर बात करें हाँ यही क्रॉप्स आपकी है ठीक है यही क्रॉप्स आपकी है और देन अगर बात करते हैं टोटल कितनी हो आपकी छह तीन नौ ग्यारह कितना हुआ आपका आ, बीस हो गया बीस तो बाईस बाईस तीन पच्चीस पच्चीस तीन आपका अट्ठाईस 28 और और दो आपका कितना, कितना तो होगा कम कम अगर, अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉप आपकी नंबर ऑफ क्रॉप सिक्सटी फाइव के आसपास में, आस में वो क्रॉप्स पढ़नी पड़ेगी कितनी सिक्सटी फाइव के आसपास में और वेटेज में आपको बता रहा हूँ वेटेज कितनी है अगर आप एक एक क्वेश्चन का बेटे रखते हो ना एक क्रॉप से तब आपके क्वेश्चन बनते हैं मतलब सोच लो कितना डीपली पढ़ना पड़ेगा ठीक है तब आपके कम कम से कम से से आपके क्वेश्चन बनेंगे अगर एक -क, एक -क, एक एक के आपकी रहती है बट इतना रेल इसमें देखो ध्यान किस पे देना आपको यहाँ पे सिक्सटी फाइव की बेटे आपकी नहीं रहती है मैं आपको इतना बता दू की यहाँ पे स्ट्रैटेजी की आपकी स्ट्रेटेजी एक है भाई आपको क्या करना है सबसे पहले फ्रूट क्रॉप जो आपकी है फ्रूट क्रॉप एक भी नहीं छोड़नी है प्लस वेजिटेबल क्रॉप ये दो क्रॉप आपकी मेजर क्रॉप हैं जहां पे आपका सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल से सत्तर परसेंट क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको हंड्रेड परसेंट करनी है उसके बाद में आपकी जो है अदर क्रॉप जो आपकी है उसके बाद में प्रेफरेंस देनी है आपको ठीक है फिर उसके बाद में देखो लास्ट में आपका जो लास्ट वाला जो पोर्शन आपका रहता है ठीक है जो आपका लास्ट में पोर्शन आपका है

ट्वेंटी फाइव के बाद में जो आपकी लास्ट जो यहाँ पे यूनिट से कम से कम यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जो है फिफ्टीन के आसपास यहाँ से रहते हैं फिफ्टीन के आसपास यहाँ से आपके रहते हैं स्टार्टिंग वाले टॉपिक से आपके कितने हो गए थर्टी फिफ्टी फाइव क्वेश्चन आपके यही हो गए ठीक है मतलब अगर हम बात करते हैं 50 बेटेज आपकी किसके से हैं और आपके जो क्रॉप के अलावा यहां पे बचता है स्लेवस। तो आपको क्रॉप भी पढ़नी है और आपको और भी सिलेबस यहाँ पे पढ़ना है हॉर्टिकल्चर के अंदर में ये आपको सारा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा अब इसके बाद में अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर हो गया आपका एगोनॉमी हमने देख लिया हमने प्लांट साइंस सॉरी फिजिकल साइंस देख लिया अब हम प्लांट साइंस की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं प्लांट साइंस अब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में ये भी देख लो भाई कोर्स में कौन कौन आपके पास कोर्स है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो आप हॉर्टिकल्चर में करनी हो हो एमएससी आप ले सकते वेजिटेबल साइंस में करनी हो में करनी हो पोमोलॉजी में करनी हो यानी कि फ्रूट साइंस में करनी हो आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में एमएससी करनी हो फ्लोरिकल्चर में करनी हो प्लांटेशन स्पीसीज में करनी हो तो आप आराम से इसमें एमएससी कर सकते हो ठीक है अगर आपको अगर आप हॉर्टिकल्चर से अपना पेपर दे रहे हो अब हम बात करेंगे प्लांट साइंस की किसकी बात करेंगे जी

इलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक वॉटनी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट हो गया स्टरलाइजेशन हो गया डिस हो गया और पास्टराइजेशन हो गया ठीक है कोश पोस्टलेट हो गया इकोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ रस्ट वगैरह हो गया ठीक है बाकी आपका यहाँ पे भी है सॉरी एक मिनट आपकी और भी है इसमें फूड इंडस्ट्री से भी है ठीक आप है आपकी फोर्थ आप चार यूनिट है आपकी ठीक है इसकी तो इसलिए आपको जो है अच्छे से इसको भी तैयार करना है सिलेबस ज्यादा नहीं है आप आराम से इसको कवरअप कर सकते हो ठीक है आराम से कवरअप कर सकते हो यहाँ पे देखो आपका जेनेटिक्स का पोर्शन भी रहेगा आपका प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन भी रहेगा और आपका जो है आप फूड साइंस का भी आपको यहाँ पे पोर्शन देखने को मिलेगा किसमें प्लांट साइंस में, में? किसमें प्लांट साइंस में और इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको पहले जनरल लगेगा सर फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट आप आपको करनी है और साथ में आपको थर्ड और फोर्थ यूनिट पर भी फोकस करना है ठीक है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपकी इंपॉर्टेंट है फोर्थ अगर आप मतलब लास्ट में रखना कि फोर्थ यूनिट पढ़ो आप ठीक है मेन आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड है थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है मैक्सिम बेटे सबसे ज्यादा बेटे थर्ड यूनिट से देखने को मिलेगी जो आपको फर्स्ट और लास्ट से नहीं मिलेगी ठीक है फर्स्ट सेकंड और लास्ट से नहीं मिलेगी थर्ड यूनिट आपकी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है प्लांट साइंस से आप पेपर दे रहे हो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई कि uh, जो आपकी प्रेपरेशन uh, है ठीक है अगर हम प्रेपरेशन की बात करते हैं प्रेपरेशन में मेन टिप्स आपको क्या फॉलो करने हैं देखो मैं आपको सिंपल सी बात करूंगा

फिर एक हफ्ते बार क्या करूंगा मैं? कि मैंने जो एक हफ्ते पहले पढ़ा था उसको डेली बेसिस पे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपका जो जो आप पढ़ रहे हो आपके माइंड पे बैठेगा और आपको इस तरह से रजिस्टर करना है कि आपका एग्जाम तक जो आप पढ़ रहे हो आपको भूल ना पाओ ठीक है ऐसे आपको तैयारी करनी है बाकी भाई जिन स्टूडेंट को प्रेपरेशन करनी होगी जिनको लगता है भाई वो खुद से तैयारी नहीं कर सकते हैं ठीक है आपको लगता है कि भाई बुक्स में क्या पढ़ना है क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक एक बुक फॉलो नहीं करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आपको लेनी पड़ेगी फिर कंटेंट देखना पड़ेगा उसमें से अगर आपको लगता है भाई आपसे नहीं हो पाएगा तो सिंपल सा आपको करना है सिंपल सा क्या काम करना है आपको इंस्पायरिंग एग्रीकॉन आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है ठीक है इस एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे एमएससी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के ठीक है आपको ऐप डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और डायरेक्ट कोर्स लिंक भी दी है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हम बात करते हैं आपका एक ऑल एमएससी एग्जाम आपको कोर्स मिलेगा अगर हम इस कोर्स की बात करता हूं यहाँ पे सभी एमएससी एग्जाम की आपकी इसके अंदर में तैयारी हो जाएगी जो ऐसे स्टूडेंट है जो आईसीआर पीजी जेर की भी तैयारी कर रहे हैं उसकी भी तैयारी हो जाएगी आपकी और सीयूटी पीजी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें करेंटी की बात करें बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पे एडमिशन आपका सीयू टी पीजी के थ्रू होगा इसका आपका एग्जाम पैटर्न अलग है सिलेबस अलग है तो ये भी आपको इसमें क्लासेस मिलेंगे और अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर वायस परमार पीजीटी है आपका एग्जाम ठीक है तो इसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी इस बैच के अंदर में और साथ में स्क्स जम्मू सेट की बात करते हैं ऑल इंडिया पे एलिजिबल होते हैं और यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट इन एग्जाम को दे सकते हैं आप किसी भी स्टेट से हो आप वायस प्रमार पीजीटी का एमएससी के लिए दे सकते हो आप स्क्वेड जम्मू का जम्मू सेट का दे सकते हो ये भी आपको क्लासेस मिलेंगे और साथ में जितने भी आप किसी भी स्टेट के रहने वाले उस स्टेट का एमएससी इंट्रांस आपको देना है ये सब आपका इस बैच के अंदर में आपको अवेलेबल मिलेगा अगर इस बैच की बात करूं एक्चुअल प्राइस इसके टेन थाउजेंड रुपीज है लेकिन न्यू ईयर का भी ऑफर आप सभी के पास है 50 डिस्काउंट पे फाइव थाउजेंड का महापेक मिल जाएगा तो आप आज इसमें अनरोल कर सकते हो और इस ऑफर को आप ले सकते हो जहां पे आपको है क्या क्या मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे होंगी आपको टेस्ट प्रैक्टिस मिलेंगे प्रीविशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे और डाउट सेशन आपके रहेंगे और पूरा सपोर्ट आपको जो है सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे सेकंड अगर बात करते हैं अगर आप जो है महापैक नहीं लेते हो आप पर्टिकुलर एक एग्जाम की तैयारी करते हो वो भी बेचिस है अगर आप जो आई सर पीजी जी की तैयारी फिजिकल साइंस से कर रहे हो आपको सॉल साइंस में एडमिशन लेना है आपको एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में लेना है एग्रीकल्चर केमि केमिकल में लेना है एग्रीकल्चर फिजिक्स में लेना है और इन्वायरमेंटल साइंस में लेना है तो ये भी सिक्स डिस्काउंट कोर्स है टू थाउजेंड कोर्स ही आपका है इसके लिए आपको इंस्पायरिंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है ठीक है डायरेक्ट कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी प्लांट साइंस के लिए भी कंप्लीट बैच है ठीक है अगर आपको एमएससी किस में करनी है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स

जार की तैयारी आई सर पीजी की तैयारी हॉर्टिकल्चर के साथ में कर रहे हो तो आपको इसमें भी बिल्कुल पूरा इसमें जनरल एग्रीकल्चर है फ्रूट साइंस है वेजिटेबल साइंस है प्लांटेशन क्रॉप्स है आपकी फ्लॉर क्रॉप्स है और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ये सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर स्टडी मटेरियल डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन और प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी और ये बैच भी आपका जो है डिस्काउंटी परसेंट टू टू थाउजेंड का ये भी भी है आपका कोर्स आप आप इसको भी कर सकते हो अगर एग्रोनॉमी से कर रहे हो एग्रोनॉमी वालों के लिए बैच कम्प्लीट है ठीक है आपको यहाँ पे पूरी नौ की नौ यूनिट्स कम्प्लीट करवाई जा रही है जनरल एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी फील्ड क्रॉप बीड मैनेजमेंट वॉटर मैनेजमेंट सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर यूज ड्राई लैंड एग्रोनॉमी प्रॉब्लम सॉइल था इसके लिए स्टेट एमएस एग्जाम की बात करें वाइस परमार यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया वाले इसमें एलिजिबल है आप इसकी तैयारी कर सकते हो इसमें तीन सेक्शन होते हैं जनरल नॉलेज होती है जनरल अवेयरनेस का होता है जिसमें 40 नंबर उससे पूछे जाते हैं और 60 नंबर का आपका स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है

कोई बुक्स मार्केट पे अवेलेबल नहीं है कहीं पे कोई कंटेंट इसका अवेलेबल नहीं है ओनली इंस्पायरिंग एयर पे मिलेगा आप ढूंढ के देख लेना नहीं मिलेगा आपको और इसमें मैं गारंटी देता हूं हंड्रेड परसेंट पिछली बार पार्ट बी रूरल अवेयरनेस बीस क्वेश्चन आते हैं बीस में से उन्नीस क्वेश्चन ओनली ओनली चार क्लासेस से आए हैं चार लेक्चर लिए हैं बीस में से उन्नीस क्वेश्चन की बेटेज यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे ठीक है स्टूडेंट्स के रिव्यू यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी ठीक है वहां पर स्टूडेंट्स ने कॉमेंट दिए हैं जो जिन बच्चों ने क्लासेस लगाई है तो आप बिल्कुल ये बारह रुपए का कंप्लीट आपको बैच मिल जाएगा बाकी सेट का भी बैच स्टार्ट होना है सीयूटी पीजी का स्टार्ट होना है फिजिकल साइंस और आपका जो है जो फिजिकल साइंस का है और आपका जो प्लांट साइंस का है ये बैच में भी स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी आपकी एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के कंटिन्यू हो चुके हैं फिजिकल साइंस प्लांट साइंस स्क्वाड जम्मू सेट हो गया आपका सीयूटी पीजी होगा आपके स्टार्ट होने हैं बाकी जो कोर्सेज हैं इनके डेमो क्लासेस आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी आप एक बार डेमो क्लासेस देख लीजिएगा अगर आपको लगता है डेमो में आपको समझ आ रहा है तो आप ऑफकोर्स डिसीजन ले सकते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका खर्चा बच जाएगा मतलब ये कि आपका बुक्स के लिए अगर आप पर्टिकुलर तो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कम से कम आपका जो है पांच से छह हजार आपका बुक्स ओनली सब्जेक्टिव के लिए लग जाएगा फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक लोगे फिर उसके बाद में आपको जो है उसमें कंटेंट देखना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आपको स्टीक कंटेंट चाहिए तो पूरा पूरा स्टीक कंटेंट आपको इंस्पायरिंग एग्री कौन लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा तो आपको सिंपल सा काम करना है बेट ज्यादा नहीं करना क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है ये समय प्रीसियस टाइम है ये फिर से चल के नहीं आएगा ठीक है तो इसमें अपना टाइम को ऐसे इधर उधर वेस्ट मत करो आप फटाफट से जो है अनरोल कर लो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप डाउनलोड करके क्योंकि आपके जितनी प्राइस सिक्सटी और फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पे सारे कोर्सेज है ये आपके बढ़ने वाले हैं ठीक है तो ऐसे में आपको जल्दी ज्वाइन कर लेना है बाकी थैंक यू सो मच बाकी आपको नेक्स्ट uh, वीडियोस आपको uh, मिलती जाएगी ठीक है आई सी पी जी के ऊपर मैं आपको रेगुलर जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तब तक पूरी तरह से आपको पूरा सपोर्ट इस प्लेटफॉर्म का मिलता जाएगा यूट्यूब के माध्यम से तो आप ऐसे में यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे फ्री नोट्स मिलते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे फ्री अपडेट्स मिलते हैं रेगुलर आपको नोट्स दिए जाते हैं और क्विजीज आपके होते हैं तो आपको वो ज्वाइन करके रखना है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए गए हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा थैंक यू सो मच गुड नाइट स्टूडेंट्स